मशहूर बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर नन्ही परी की कलाकारी गूंजी है। दीपिका ने 7 सितंबर को मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया है, जिससे उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कपल को ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। पिंक मिला की रिपोर्ट के अनुसार दीपिका और रणवीर अब बेटी के माता पिता बन गए हैं। दीपिका को उनकी तय डिलीवरी डेट से 20 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबरों के मुताबिक उनकी सी सेक्शन डिलीवरी की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले खबरें सामने आई कि उनका पहला बच्चा 28 सितंबर को जन्म लेगा, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें पहले ही अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। अस्पताल में भर्ती होने की वजह से दीपिका इस बार अंबानी फैमिली के गणेश उत्सव में शामिल नहीं हो सकी। उनकी जगह उनके पापा प्रकाश पादुकोण और रणवीर के पिता जगजीत सिंह भावनानी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दीपिका के माता पिता और रणवीर के परिवार के बीच विशेष दिन खुशी और उत्साह से भरा रहा। बच्चे के जन्म से 2 दिन पहले दीपिका और रणवीर सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान दीपिका ने हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी और रणवीर बेज कुर्ते पैजामे में नजर आए थे। मंदिर में परिवार के साथ उनकी मौजूदगी के बीच सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कपल ने फरवरी 2024 में अपनी प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिससे उन्होंने बच्चों के कपड़े और खिलौने से सजाया हुआ पोस्टर शेयर किया था। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत सितंबर 2024 में करने की जानकारी दी थी, जो अब उनकी नन्ही बेटी के रूप में पूरी हो गई है।